तो जी हरिद्वार से निकलकर मैं पहुंचा था ऋषिकेश, और फिर ऋषिकेश से निकलकर नरेंद्र नगर के पहाड़ी रास्तों से होते हुए मैं पहुंचा था चंबा। चंबा पहुंचते पहुंचते तक मैं ही डिसाइड कर चुका था कि अब मैं यहां से जाने वाला हूं टिहरी, और ये रोड जो मैंने इस समय पकड़ी है ये टिहरी के लिए ही है। खैर, चूँकि मैं इस समय चंबा शहर के बीच में से निकल रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको चंबा शहर के बारे में कुछ खास बातें बताऊँ। ये बातें आपको बताने से पहले मैंने भी गूगल ही की हैं, पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो मुझे मालूम पड़े वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, 21 अप्रैल 1895 में इस धरती पर जन्म हुआ एक वीर का, जिनका नाम हुआ गब्बर सिंह नेगी। द ग्रेट राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी 21 साल की उम्र में वर्ल्ड वार वन के दौरान ब्रिटिश सेना में राइफलमैन के पद पर तैनात थे। दोस्तों, दुश्मन सेना के बहुत मजबूत होने के बावजूद दुश्मन सेना पर हमला करने और उनके ठिकानों का पता लगाने में गब्बर सिंह नेगी जी कई बार सफल रहे। ऐसी ही किसी एक कार्यवाही के दौरान गब्बर सिंह नेगी जी वीर गति को भी प्राप्त हुए। इनकी बहादुरता के लिए ब्रिटिश आर्मी ने इन्हें अपने हाईएस्ट अवार्ड द ग्रेट विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड से सम्मानित भी किया। दोस्तों, आज भी हर साल 21 अप्रैल गब्बर सिंह नेगी जी की याद में एक मेला आयोजित किया जाता है, जिसे गब्बर सिंह नेगी मेला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चंबा एक बहुत ही खास जगह है। चाहे आप कानाताल हाइट से हिमालय का व्यू देखना चाहें, या फिर मसूरी धनोल्टी घूमना चाहें, ये सभी जगह यहाँ से बहुत नज़दीक हैं। या फिर अगर आप टिहरी डैम जाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। तो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत ही खास जगह है चंबा। पर टिहरी के लिए तो शायद ये इधर वाला रोड है, ये वाला। हाँ, जो वैसे कोई बोर्ड लगा हुआ नहीं वहाँ पे, लेकिन हमारे अनुमान के हिसाब से टिहरी का यही रोड है। तो चंबा शहर से हम क्रॉस करके बढ़ चुके हैं टिहरी की तरफ। नई टिहरी 11 किलोमीटर है। यहाँ से नई टिहरी है लगभग 11 किलोमीटर। अब आपको सीधा हम टिहरी पे जाके मिलते हैं। ये पहुंच चुके हम टिहरी, और अगर आपको दिख रहा हो सामने से वो जो टिहरी डैम वाली लेक है वो यहाँ से हमें दिखाई दे रही है, और पूरा व्यू है यहाँ का। अभी थोड़ा और क्लोज चलते हैं, फिर वहां से देखेंगे। फिलहाल यहाँ तक का जो सफ़र हुआ है अपना, वो हुआ है 12:45 बज रहे हैं। अभी हम थोड़ा और आगे जा रहे हैं यहाँ से। तो जी टिहरी अपने कर लिया है क्रॉस, और अब हम थोड़ा और आगे जा रहे हैं, थोड़ा झील तक घूम के आते हैं। मतलब टिहरी डैम का व्यू हमें मिल जाएगा। हालांकि टिहरी डैम देखने के लिए तो अलाउड है नहीं, वहाँ पर वीडियोग्राफी आप नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ से थोड़ा और नीचे जाके इस झील का व्यू और थोड़ा सा डैम का व्यू हम ले सकते हैं, और उसके लिए हम बढ़ चुके हैं अब आगे। टाइम हो रहा है अभी 12:45।
शुरू हो जाते हैं। तो आप अगर टिहरी घूमने आ रहे हो तो यहाँ पे घूमने के लिए क्या क्या है, एक तो टिहरी लेक है और उसके अलावा टिहरी डैम दूर से देख सकते हो। बस अड्डा भंसाली श्रीनगर पौड़ी। बहुत लंबा सफर हो गया आज का ना। टिहरी का व्यू तो दे दे। तो क्या हो गया। तो भाई पहुंच चुके हैं हम ऑलमोस्ट टिहरी डैम की तरफ और मेरे पीछे व्यू। खासतौर से वो जो पहाड़ है ना, ऐसा लग रहा है पिरामिड टाइप का पूरा कंटिन्यू करते अपनी जर्नी को और आ जाते हैं बाइक पर। ये है पूरा टिहरी झील का एरिया। इसमें वाटर स्पोर्ट्स वगैरह चल रहा है। वो सामने हो रही है बोटिंग यहाँ पर, क्या बोलते हैं इसको, बनाना राइड, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। कहाँ हो रही है? हाँ वहाँ भी हो रही है, मतलब ये वहीं जहाँ ये गाड़ियाँ जा रही है ना वहीं से रास्ता है कुछ, क्या बोलते हैं सब राइड लेने के लिए। और चल के देखते हैं ये नीचे का एरिया। अरे यहाँ पे तो वैसे ही है, ये है पूरा एरिया टिहरी झील का। वहाँ चल रही है ये वाटर जो स्पोर्ट्स होते हैं वो चल रहे हैं इसमें। अब सीधा वापस यहाँ से हरिद्वार की ओर निकलूंगा और उससे पहले टिहरी डैम 4 किलोमीटर है यहाँ से, तो वो फटाफट से देख के फिर वापस। चल यार पहुँचते हैं सीधा टिहरी डैम के पास। ये है झील और झील हमने देख लिया, फोटोज हमने खिंचवा ली हैं। आज का पूरा दिन हमने यहीं पे स्पेंड कर लिया है। अगर डोबरा चांटी ब्रिज के आगे से रास्ता होता और मुझे वहाँ से ऋषिकेश पास पड़ता तब मैं अभी भी निकल जाता, पर इस समय 2 बज चुके हैं और संडे है तो घर के भी बहुत सारे काम हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ से वापस निकल रहा हूँ 2:05। चल चुके हैं हम।
त्या मोड़ों पर हॉर्न दीजिए। वो है डैम, तो हम डैम के पास पहुंचने वाले हैं। यह था व्यू, डैम का भी दे देते हैं। टिहरी परियोजना क्षेत्र आपका स्वागत करता है। कोटेश्वर यहाँ से 27 किलोमीटर है, नई टिहरी 17, टिहरी वाहन 1 किलोमीटर। बस थोड़ा सा ही ऊपर चल के यहीं से हमको दिख जाएगा व्यू डैम का। ये है टिहरी डैम। उतरो भाई। सो गाइस, ये है टिहरी डैम। अपनी पूरे दिन की जर्नी, जो कि इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, पता नहीं बनाते समय देखूंगा लंबा वीडियो बनाऊंगा या स्मॉल वीडियो बना के कुछ पार्ट्स में डालूंगा। एनीवेज, जो भी है, आज का संडे मेरा ऐसे स्पेंड किया है। मैंने टिहरी झील देखी है, टिहरी डैम का व्यू लिया है, उसके अलावा जितने भी रोड्स हैं यहाँ के वो आपको देखने को मिल गए होंगे। इसके अंदर कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं, यहीं पर रोकते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। गुड बाय।